उधर राम के किरदार से मशहूर हुए अरुण गोविल ने मेरठ से नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं नामांकन के बाद उन्होंने रोड शो के जरिए जन समर्थन जुटाया। गोविल के नामांकन में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान अरुण गोविल ने बीजेपी की बंपर जीत की उम्मीद जताई। तो बीजेपी की बंपर जीत की उम्मीद जताई अरुण गोविल ने। वहीं वो रोड शो करते हुए भी नजर आए अपने नामांकन के बाद, और उनके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। और जैसे ही ये दो दिग्गज नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए उनका जोरदार स्वागत किया गया और नामांकन दाखिल करने के लिए रोड शो भी करने निकले अरुण गोविल। आपको बता दें कि मेरठ सीट से इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, चुनावी मैदान में उतारा गया है और राम के किरदार के लिए ये मशहूर हैं। आपको बता दें कि नामांकन के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है चारों तरफ और मेरठ के लोग बड़े उत्साह में हैं चुनाव को लेकर। आई एम श्योर कि एवरीथिंग इज पॉजिटिव अबाउट इट। अच्छा, जिस तरीके से जगह जगह स्वागत हुआ, कुछ वर्षा हुई है, ऐसा स्वागत जोरदार कि सब लोग देखते रह गए। मैंने कहा ये राम जी की कृपा है। विपक्ष की तो टेंशन बढ़ गई है सर, इस सर वो आपको विपक्षियों से पूछना पड़ेगा। मेरा मुकाबला किसी से नहीं, मैं तो भैया अपना काम करूंगा। हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारी पार्टी, हमारा संगठन, वो अपना काम करेगा। लेकिन सर ये है कि पश्चिम से बड़ा संदेश जाएगा ना मेरठ से? बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। और इसके लिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है ऑफकोर्स। चुनाव कभी भी ऐसा होता है कि उसे आप हल्के में तो नहीं ले सकते, तो जिम्मेदारी तो बढ़ेगी और संदेश भी जाएगा। एंड आई एम श्योर कि हम बिल्कुल इसमें सफल होंगे संदेश पहुंचाने।